के प्रधानमंत्री ने महंगाई रोक नहीं पाने के लिए एक शब्द भी बोला है? क्या कभी मैडम सोनिया जी ने महंगाई कम नहीं कर पा रही इसके लिए दुख जताया है? क्या कभी उनके सहजादे ने भी कभी दो शब्द कहे हैं? इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बयानों से बमबारी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। मोदी के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस के महारथी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में मोदी का एक अलग अंदाज नजर आया। सियासत की इस नई बोली और रैली में जुटी भीड़ ने कांग्रेस के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। शायद ये भूल जाते हैं कि इस देश में जितने दंगे हुए हैं वो कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा और कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा के बीच में हुए हैं, और कांग्रेस जोड़ती है और ऐसी विचारधाराएं समाज को तोड़ती हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी ने कल एक बात कही थी कि उन्होंने अपने सामने जितनी बड़ी भीड़ थी उसको एक तरह से सर्कस समझते हुए बात की थी। मेरे ख्याल में इन्होंने सबसे बड़ी इंसल्ट उत्तर प्रदेश के अवाम की ये की कि कानपुर में लोगों को दिखाया कि वो उनको सर्कस का एक तमाशा ही समझते हैं, और वो खुद क्या है मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मीडिया के सामने कांग्रेस का बचाव करने वाले केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी की तुलना जर्मन तानाशाह हिटलर से कर दी। I had raised a larger question with regard to the fundamental philosophy which intrinsic fascists tend to pursue. And when he talked about using the Indian cinema or the Indian film industry to brand India, I was struck by the thought that way back in 1936, another gentleman wanted to use the Berlin Olympics for a similar branding. And that mark of the swastika still haunts a lot of people around the world. जवाब बीजेपी की तरफ से भी तैयार था। मोर्चा संभाला मुख्तार अब्बास नकवी ने। कानपुर से कांग्रेस के कुशासन और करप्शन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी का शंखनाद होगा, और देश के तमाम हिस्सों में मोदी जी की रैली, भारतीय जनता पार्टी की रैली, जिस तरह का अपार जन समर्थन और लोगों का विश्वास हर दिन मिल रहा है, उससे एक बात बहुत साफ है कि आज कांग्रेस पार्टी के करप्शन के खिलाफ क्रांति हो गई है। मोदी की रैलियों में बंपर भीड़ जुटनी आम बात है, चाहे हैदराबाद की 5 रुपए वाली रैली हो या फिर भोपाल की 10 रुपए वाली रैली। मोदी के भाषण पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। मोदी की हाईटेक और ग्रासरूट कैंपेन स्ट्रेटजी से सभी पार्टियां फिलहाल सकते में हैं। मोदी सोशल मीडिया में भी सुपर हीरो हैं। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि मोदी की रैलियों में जमा होने वाली भीड़ और सोशल मीडिया में उन्हें लाइक करने वाले लोग बीजेपी को वोट देकर उन्हें दिल्ली की कुर्सी पर बैठाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।